बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप सब भाई जानते हैं कि करवा मोटर का मिशन और मकसद है कि अपने प्यार करने वाले भाइयों और दोस्तों को अच्छी और सस्ती गाड़ियाँ देना। तो जैसा कि आप सब भाई जानते हैं कि आज हमारे पास जो जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना हम दिखाते हैं रिव्यू डिटेल से जो हमारे शोरूम पर आज गाड़ियाँ मौजूद हैं। वैसे एतवार वाले दिन जो गाड़ियाँ होती हैं, कोशिश हमारी होती है कि हर गाड़ी की डिटेल से वीडियो दिखाएं, डिटेल से वीडियो दिखा के वो हम उसमें जितनी बार्गेनिंग हो सके बार्गेनिंग करा के आपको गाड़ी दें। तो कुछ गाड़ियां सेल भी की हैं हमने, जिसमें से एक डेवो रेसर थी जो इधर खड़ी हुई थी वो सेल कर दी, एक निसान सनी थी वो भी सेल कर दी है, उसके बाद एक 17 मॉडल कैरी डब्बा था वो भी सेल कर दिया है, उसके बाद एक सिलाई थी ये भी सेल कर दी है, उसके बाद एक लाल कलर वाली मैरान है सरगोधा नंबर वाली वो भी सेल कर दी है, उसके बाद और चले बाकी ये है कि अभी आपको बताते हैं ठीक है कि हमारे पास जो जो गाड़ियां मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला उनकी डिटेल से रेट भी बताते हैं। ला के गाड़ी चलो ठीक है, 11 मॉडल है, बाहर बाहर से टोटल शावर हुई हुई गाड़ी है ठीक है, और ये तकरीबन 1 लाख के करीब मेरे से चली हुई है या ऊपर चली हुई है, कन्फर्म नहीं है मुझे याद नहीं है, और 21 लाख डिमांड कर रहे थे, इसमें फुल एंड फाइनल आपको मिल जाएगी 20 लाख रुपए की। मैंने जो बात की थी उनके साथ 20 लाख की, लेकिन इसमें से भी कोशिश करूंगा कि मौके के ऊपर 5 से 10 हज़ार रुपये और भी कम करवा लें ठीक है। उसके बाद ये एक सिलाई हम लोगों ने सेल कर दी थी, और उसके अलावा ये एक FX है जंग नंबर की, इस गाड़ी के लिए फुली ऑफर आपको देते हैं बिल्कुल ठीक है। गाड़ी की कंडीशन भी थोड़ी सी दिखा देते हैं, अगर अनलॉक है तो अंदर से दिखाएं जी गाड़ी, ये देखें नए गत्ते लगे हुए हैं, इसको हैंडल नए लगे हुए हैं, सीटों के कवर नए लगे हुए हैं ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो फर्श है ना वो थोड़ा सा गला हुआ है ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना गला हुआ है, ताकि ये देखें आप ये जगह थोड़ी सी जंग लगी हुई है, मतलब सुराख हुआ हुआ है वो नीचे है थोड़ा बहुत, ये आप अगर सही करवाएंगे तो ये गाड़ी आपको अच्छे पैसों में बिक भी जाएगी। बाकी बॉडी वाइज देखें सारा नया रंग हुआ है इसके ऊपर ठीक है। उसके बाद आपको इसका मैं फ्रंट दिखाता हूँ, खोल के लॉक हुई भी फ्रंट से भी गाड़ी जेन्युइन है, और जंग का नंबर है, और नंबर प्लेटें भी जेन्युइन लगी हुई हैं, लाइफ टाइम हुई हुई है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है ये गाड़ी। इसमें जो काम है वही आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ इसके फर्शों के ऊपर आप वो डलवाएं, क्या नाम है, पीस लगवा लें, वो खर्चा है। बाकी गाड़ी के टायर शायद देख लें, टायर भी ठीक हैं, इतने बुरे नहीं हैं। तो ये फाइनल जो भाई हमारा परसों शाम तक रब्ता करेगा ना, ये आपको फुल एंड फाइनल दे देंगे 1,65,000 रुपये, बिल्कुल फाइनल, इसमें से कोई गुंजाइश नहीं, कोई बर्गेनिंग नहीं, फाइनल पैसे। उसके बाद ये हमारे पास है 2 स्ट्रोक गाड़ी, मैकेनिकल इंजन हिस्सा गियर हर लिहाज से ओके है, सिर्फ एक टायर कमज़ोर है, बाकी बॉडी वाइज भी अच्छी है, अनलॉक है ही नहीं, थोड़ा सा नज़दीक आके दिखा दें अंदर से इसकी कंडीशन, शीशों के साथ से कैमरा साथ लगाएंगे तो अंदर की कंडीशन नज़र आ जाएगी इसमें ठीक है। पीछे फर्श दिखा दें, टायर सिर्फ एक ही है इसका कमज़ोर है मेरे ख्याल जी, पिंडी का नंबर है, टोकन परमिट कुछ शार्ट है लेकिन वो बंदा क्लियर करवा के देगा, फुल एंड फाइनल ये दे देंगे 2,30,000 रुपये में, बिल्कुल फाइनल दे देंगे गाड़ियाँ। उसके बाद ये 2008 मॉडल, ये गाड़ी भी अच्छी गाड़ी है, लेडीज़ के नाम पे लाहौर का नंबर है, अंदर से टोटल जेन्युइन है, बाहर बाहर से गाड़ी में फुहार डली हुई है, पुटीन सिर्फ 10% पुटीन होगी, एक इधर थोड़ी सी इस जगह में पुटीन है, ये इतने हिस्से में ठीक है, उसके बाद इतने हिस्से में पुटीन है, ये पुटीन लगी हुई है हल्की फुल्की, उसके बाद साइडें देख लें, दरवाज़ों में कोई पुटीन नहीं है ठीक है, ये देखें कुप्पे भी देख लें आप, कुप्पे देख लें, कुप्पे बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ ये जगह थोड़ी सी जंग है बस, रंग नहीं हुआ ना, पुटीन लगी हुई है, जोर ठीक है। अच्छा उसके बाद जी अंदर से भी दिखा दें, अंदर से दिखाएंगे ठीक है, उसके बाद फर्श दिखा दें,
फर्श भी है, जेन्युइन फर्श है इसका, ठीक है, लेकिन ये जंग की वजह से उन्होंने इसके ऊपर फुहार डाली हुई, सिर्फ फुहार लगी हुई है, बाकी कोई फर्श में वो नहीं है। उसके बाद ये देखें, कोई पुटीन नहीं है, दरवाजे देख ले, ये देखें पूरा दरवाज़ा अंदर जाता है, कोई पुटीन नहीं है, इसमें भी कोई पुटीन नहीं है, ठीक है। पीछे डिग्गी देख लें, डिग्गी पे कोई पुटीन नहीं है, ठीक है। टायर भी दिखा दें, टायर ये एक पंचर है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा ये दिखा दें, इसमें तकरीबन 50% टायरों की कंडीशन है, 50%, ठीक है। मैकेनिकल इंजन हिस्सा गियर बिल्कुल ओके है, 8 मॉडल मार्केट में, टोटल जेन्युइन गाड़ी हो तो तकरीबन 8-8.5 लाख रुपया लोग पड़ते हैं, लेकिन ये गाड़ी बाहर से रंग होने की वजह से और थोड़ी सी कंडीशन नॉर्मल होने की वजह से ये गाड़ी हम दे रहे हैं 5,95,000 रुपये की, फुल एंड फाइनल, जिसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई एक रुपये की भी छूट नहीं, ठीक है, बिल्कुल 5,95,000 रुपये फाइनल है। उसके बाद ये गाड़ी हमने सेल कर दी है इसकी, हमारे पास पेमेंट आ चुकी है पूरी, ये गाड़ी हम लोगों ने डिलीवर करनी है साहिवाल में, बंदे का एड्रेस हमें पता है, वो आज इंशाल्लाह आज की अगर डिलीवरी हुई तो आज ही हो जाएगी, नहीं तो कल हो जाएगी। उसके बाद ये फैसलाबाद नंबर की डीजल इंजन में 84 करोला, गाड़ी की कंडीशन ठीक है, टायर वगैरह तो तकरीबन 70-80% है, लेकिन बॉडी वाइज थोड़ी सी है, कलर फेड हुआ है बहुत ज़्यादा इसका, ये गाड़ी अभी खैर लॉक है, चाबी इधर अंदर पड़ी होगी, नहीं खुली भी नहीं बात है, ये 4:30 कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 4 तक गाड़ी दे दें जिसको भी। डीजल इंजन है, सिर्फ काम क्या है इसमें, एक तो आप बॉडी वाइज थोड़ी बहुत टचिंग डलवाएंगे, बम्पर शम्पर कोई चेंज करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद अंदर डैशबोर्ड के ऊपर कपड़ा शपड़ा लगवाएंगे, ये शीशे साइडों वाले, बस छोटे मोटे काम है, तकरीबन 20-30 हज़ार रुपये लगाएंगे तो गाड़ी ओके हो जाएगी। उसके बाद ये बलिनो है, अच्छी गाड़ी है, जो अच्छी गाड़ियों में जिसको कहते हैं ना, है कराची नंबर है लेकिन चली बिल्कुल पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के एरिया में चली हुई गाड़ी है, फ्रंट दिखा दें, गाड़ी की पहचान फ्रंट से हो जाती है कि कितनी साफ गाड़ी है, ठीक है, फ्रंट देख लें, सीलों में गाड़ी बिल्कुल ओके है, चेसिस प्लेट देखें, चेसिस पत्री देखें, ठीक है, कोई जोड़ खुला नहीं है, ये फ्रंट पट्टी था जिसकी अपनी है, सिर्फ गंदी हुई है गाड़ी, अगर इसके ऊपर अभी इसके ऊपर फुहार लगे पानी की तो गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिखा दें अंदर से रूम, देखें इसका अंदर से रूम कंडीशन भी बहुत अच्छी है, सीटों के कवर लेदर के हैं, डैशबोर्ड साफ है, उसके बाद MP3 वगैरह लगी हुई है, फुटबोर्ड देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है, कोई गला बनी है, कोई जंग नहीं है। उसके बाद ये सील देखें साइड वाली, दरवाज़ों की सीलें दिखाएं, आए ना दरवाज़ों की सीलें दिखाएं ज़रा, नहीं सही नज़र आ रही है आपको, अच्छा ये वाली भी देखें, फुटबोर्ड दिखाएं, उसके बाद टायर रिम क्रोम वाले टायर रिम लगे हुए हैं इसको, बॉडी वाइज हल्की फुल्की पुटीन हुई हुई है गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद कराची का नंबर है और उसके बाद जानवर नंबर प्लेटें लगी हुई है इसको, और डिमांड इसकी जो मालक है वो 6:30 का आ रहा था पहले, लेकिन मैंने इसको बताया यार कराची नंबर की वजह से और मार्केट के लिहाज से गाड़ी आप पैसे ज़्यादा बता रहे हो। उसके साथ फिर बात करते करते उसने फिर 6 बोली थी, इसकी वीडियो पहली जो वीडियो है वो 6 लाख रुपए की लगी हुई थी, लेकिन फिर हम लोगों ने बताया कि यार नहीं कुछ कुछ जाए, फिर हम मैंने उसके साथ काफ़ी ज़ोर डाल के तो फाइनल जो रेट है इसका 5,80,000 रुपये की मैंने वीडियो लगवाई थी उससे, 5,80,000 रुपये की, तो 5,80,000 रुपये में गाड़ी महंगी नहीं है, इंशाल्लाह ताला जो भाई हमारा लेना चाहता है वो हमारे साथ रब्ता करे, फुल एंड फाइनल आपको 5,80,000 रुपये में दे देंगे। कोशिश मैं अपनी तरफ से करूंगा कि जो भी बंदा हमारा दूर से आए उसका आने का ख़र्चा मैं छुड़वा दूँ 5,80 में से भी, ये मौके की बात है, इसमें कोई ये ज़बान नहीं है या वादा नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा मैं। उसके बाद ये होंडा सिटी, ये लाहौर नंबर, ये भी 99 मॉडल है, ठीक है, बाहर बाहर से पूरी गाड़ी तैयार हुई हुई है, अंदर से जेन्युइन है,
एसी हीटर लगा हुआ है लेकिन गैस शैस मेरे ख्याल से नहीं है। उसके बाद काम इसमें मेरे ख्याल से एक उसका काम है, क्या नाम है, बैरिंग की आवाज़ है पिछले टायर में, ठीक है। शीशों के दरवाजे, शीशों के जो, क्योंकि पावर विंडो हुई है ना, जो बटन है शीशों के वो काम नहीं कर रहे सही, शीशे वगैरह सही नीचे ऊपर नहीं होते सही, ठीक है, वो आपको काम करवाना पड़ेगा। उसके बाद बैटरी का थोड़ा सा है, बैटरी भी थोड़ी सी कमज़ोर है, वो भी आपको सेट अपनी मर्ज़ी से चेंज करवाएं या इसको चार्ज करवाएं, ठीक है। और बाकी काम कोई नहीं है, मेजर कोई काम नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। उसके बाद डिमांड इसकी भी 6.5 लाख रुपया फ़ाइनल बंदा कह रहा था, लेकिन कोशिश करूँगा कि 6:30 तक जो है ना ये गाड़ी हम फाइनल दे दें, बिल्कुल फाइनल 6,30,000 रुपये में फ़ाइनल दे दें। उसके बाद ये निशान सनी है, इसका फ्रंट जो है ना मेरे ख्याल से मैकेनिकल, इसमें इंजन हिस्सा गियर ठीक है, लेकिन इंजन में जो है ना उन्होंने मोबाइल कोई चेंज डाला है चेंज करके, तो उसकी वजह से जो है ना इसमें इसका जो है ना मिक्सचर आउट हो गया और गाड़ी धुआं मारती है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उस बंदे को कहें कि यार ये हमें काम करवा के दे दे, ज़्यादा बेहतर है। अगर करवा दिए तो ठीक, नहीं तो पैसे छुड़वा देंगे। वैसे 3.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं इसकी, लोअर नंबर 93 मॉडल, और मौके के ऊपर कह रहे थे कि जी 3-10 में या 3 तक हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3 में से भी कोई 5-10 हज़ार रुपया कम करवा लूँ इस बंदे से, ठीक है। उसके बाद यह सेंटर है पेशावर नंबर की, ये गाड़ी भी अच्छी है, अंदर से जैन है, चेक करवा दें फिर अंदर से, है भी ऑटो गियर, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग नहीं है, पावर स्टेयरिंग इसका खत्म हुआ है, पावर स्टेयरिंग खत्म हुआ है। बॉडी वाइज बाकी पूरी गाड़ी तैयार हुई हुई है बॉडी वाइज, ठीक है। टायर रिम भी लगे हुए हैं लेकिन दूसरे वाले खोलो जी इसको, अच्छा जी फ्रंट चेक करें, मीरा का इंजन डला हुआ है, 3 सिलेंडर इसके पीछे, छोटे बेबी सिलेंडर, 3 ही है ना, 3-4 लगे हैं, 3-4 सिलेंडर पीछे लगे हुए हैं, गैस वाले, गैस पेट्रोल दोनों पे चालू है। एसी शेसी मेरे ख्याल से नहीं है इसमें ना, एसी नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद कुप्पे शुप्पे ठीक हैं, ठीक है, और चेसिस नंबर भी ठीक है, चेसिस प्लेट भी ठीक है। गाड़ी थोड़ी सी रफ हुई हुई है लेकिन पैसे भी जो वो मांग रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब मांग रहे हैं, बुरे नहीं मांग रहे। गाड़ी आप लेके लेडीज़ यूज़ के लिए बहुत बेस्ट है ये गाड़ी। उसके बाद एक हमारे पास कोरे थी, वो भी है, वो भी गाड़ी फाइनल तकरीबन 6.5 लाख रुपये मेरे ख्याल से कह रहे हैं। तो ये गाड़ी जो है ना, जो भाई परसों शाम तक रब्ता करेगा, पेशावर नंबर, कागज़ हम इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर देंगे, हर चीज़ की गारंटी देंगे और लाइफ टाइम गारंटी होगी। ये नहीं कि आज आप ले के जा रहे हैं, हमने कमीशन ले लिया तो हम आपको भूल गए हैं। आपको जब कभी कोई मसला हो आप गाड़ी ले कर आएँ, अपनी पेमेंट ले जाएँ, गाड़ी खड़ी करें, हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये गाड़ी भी फुल एंड फाइनल 6 लाख रुपए की हो जाएगी, बिल्कुल फुल एंड फाइनल, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो गाड़ियाँ थी हमने आपको दिखा दी हैं, मौके पे बता दिए। पासो है, पासो तो आपने देखी हुई है, वो 2005 मॉडल, 7 रजिस्टर्ड, वो भी 14.5 कह रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 83 तक वो भी आपको ले दें, ठीक है। और बाकी नंबर हमारे नोट करें, 0315-511-8181, 0305-51-47-902, 0310-56-92-449, 0348-55-17-700, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। नंबरों पर रब्ता करके आप गाड़ी की डिटेल भी ले सकते हैं, गाड़ी को ख़रीद भी सकते हैं, और पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर आपको गाड़ी चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला आपको डिलीवर भी करके देंगे, ठीक है। आज जैसे हमने 2 गाड़ियाँ डिलीवर की हैं, एक स्लाइड डिलीवर होनी है या शायद वो खुद आ जाएँ, और दूसरी मेहरान, ये 2 गाड़ियाँ जो है ना समझें कि डिलीवर होनी है, और इंशाल्लाह जब डिलीवर होंगी तो हम इंशाल्लाह वीडियो भी लगाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यार डिलीवर हो रही हैं, ये सच है झूठ है, लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हम इधर से डालते हैं इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अल्लाह की नज़र में क्या हैं। लोगों की बातों से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता कि इंसान जब ज़िंदगी में इतने धक्के खाता है ना और जिस मुकाम पर पहुँचता है, फिर लोगों की बातों का असर नहीं होता है।
फिर सिर्फ अल्लाह के साथ बात होती है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या ये हमारे दिल को अच्छी लग रही है या गलत लग रही है। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे आपको कि जो गाड़ी भी आपको पसंद आए आप रब्ता करें, गाड़ी की डिटेल लेनी हो फिर भी रब्ता करें। कुछ लोग मुझे करते हैं मैसेज, साहिब भाई ये गाड़ी हम लेना चाह रहे हैं, ये इतने में मिल रही है, मॉडल ये है, कंडीशन ये है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि अच्छी है गाड़ी आप ले लें, नहीं अच्छी तो मैं तब भी बता देता हूँ कि गाड़ी आप रहने दें, पैसे ज़्यादा हैं। तो बाकी हमारे साथ रहें, हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया स्टार्ट हुआ है, कार गेट चैनल है मेरा, CARGET, जस्ट कार गेट को सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, 3-4 वीडियोज़ के नीचे ही होगा, बहरहाल मैं अक्सर सामने ही होता हूँ। तो बाकी उस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हाज़र होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।